हाथरस से 36 किलोमीटर दूर हूँ। ये जगह है टीकरी खुर्द गांव, उससे उसके बाहर वाली रोड पर हम लोग हैं। ये जो रोड आपने बीच में देखी होगी, इस तरफ सिकंदरा राव से जुड़ती है और इधर वाजिदपुर से जुड़ती है। मैं गांव में लोगों से बात कर रहा था, उस वक्त लाइव नहीं कर पाया क्योंकि नेटवर्क ठीक नहीं था, लेकिन लोग फिर मुझे सड़क तक लेकर आए कि बोले आप इस सड़क की कहानी ज़रूर बताइए, जो लंबे इंतज़ार के बाद यहाँ थोड़ा सा काम हुआ है और फिर चुनाव और बाकी वजहों से अटक गया है। मेरे साथ बहुत सारे नौजवान हैं और गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार, आप टीकरी खुर्द के ही रहने हाँ वाले हैं। ये सड़क कब से नहीं बनी थी? यही 15 साल हो गई, 15-16 साल है। 15-16 साल से ये सड़क खराब थी, मतलब क्या था यहाँ, कच्ची थी नहीं है तो पक्की थी, टूट गई, हालत बहुत खराब, टूटी हुई सड़क, ऊपर से टूटी फूटी, कच्ची मानो। और ये सड़क कितने किलोमीटर लंबी है आगे? आगे 30-35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की रेंज पे आगे 30 किलोमीटर लंबी सड़क है। और चूंकि समय सेल्फी मोड पे है तो सेल्फी पे नहीं है, एक बार सेल्फी। मैं कुलदीप सरदार इस वक्त टिकरी खुर्द गांव में हूँ और ये जगह हाथरस से 36 किलोमीटर दूर है। कैमरा अमितेश के हाथ में है। लोगों की गांवों में बहुत सामान्य सी समस्याएं हैं। मैं उस समय आपको लाइव दिखा नहीं पाया, पर महिलाओं ने ये कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांवों में शौचालय नहीं है और जगह नहीं है कि शौचालय कैसे बनवाएं। प्रधानमंत्री भी बार बार देवालय से ज़्यादा शौचालय बनाने की बात करते हैं, केंद्र सरकार भी ये बात करती है, राज्य सरकार भी करती है, लेकिन हाथरस शहर से 36 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव पर शौचालय की समस्या है, ऐसा महिलाओं ने मुझे बताया। इस बार चुनाव के बारे में इस गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव के बारे में तो हमारे यहाँ पहले से पहले रह चुकी है जी, सपा चल रही है फिलहाल में, तो हमारे यहाँ आपके यहाँ गवर्नमेंट सरकार, हाँ सरकार गवर्नमेंट सरकार की है। सपा की, आपके यहाँ से विधायक बसपा हमारे के हैं, बसपा के हैं। रामवीर उपाध्याय हाँ बसपा जी, के बड़े नेता हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, उससे पहले रही थी हमारे यहाँ बसपा की, तो इन दोनों पार्टियों ने कुछ विकास नहीं किया हमारे यहाँ पे, सरकार ने कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं किया यहाँ जी हमारे यहाँ पे, तो सब अपना अपना अपने अपने कास्टों के बारे में सोचा है, अपना बस पेट भरा है उन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने बस हमारे। इस बार क्या क्या सोच रहे हैं अभी चुनाव के बारे में सोचा कुछ? बीजेपी भाजपा 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 को देना, भाजपा को, आप भी हाँ सब भाजपा, सब भाजपा को देना, सब भाजपा को, जो गरीब के लिए भला करेगा उसी के लिए जी जनता। तो ये पहले कैसे पता चलेगा? ये तो वोट दे के पता चलेगा ना? अरे परचो नहीं गई जी, मोदी ने 1 लाख रुपया ये माफ कर दिया, वहाँ में झूठ किसानों का, हाँ किसानों का जाके लिया, तो घोषणा पत्र भी आया ना, घोषणा पत्र आप लोगों ने घोषणा पत्र पढ़ा है? क्या है घोषणा पत्र? टीवी एक जात करे ना, मोदी ने सब जात करने करो, सब क्या किया है, सब कुछ किया, लड़कियों के लिए व्यवस्था करी है, पढ़ाई भी लेकर मतलब शुरू से लेकर एंड तक की पढ़ाई, और मतलब जो है बच्चों के लिए मतलब जो हर व्यवस्था करी है, और मतलब किसानों के लिए फायदा किया है, मतलब 40,000 रुपए तुरंत खाते में, 40,000 रुपए तुरंत खाते हाँ में जी लड़की होने, हाँ लड़की होने। घोषणा पत्र आप लोग पढ़ते हैं क्या? मतलब ये इधर से लड़के कह रहे हैं, नौजवान लड़के की पढ़ते हैं, 45 योजना आई है, घोषणा पत्र किया है अभी, उसका बजट लागू होना है। क्या नाम है पहले? मेरा नाम है जी रोहित जादौन। रोहित जादौन, हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं? हाँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर। क्या उम्र है आपकी? मेरी है 19 साल की। हाँ जी, 19 साल की उम्र में आपने बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ा है? हाँ जी। बताइए क्या क्या उसमें? अब इतना तो याद नहीं है, बहुत योजना आया, वो बजट होने का मतलब लागू होने का बाकी है बस, दो तीन चीजें तो याद। हाँ, उसमें कर्ज माफ है और जिसके पास जमीन नहीं उसके लिए 2 लाख रुपए बीमा योजना है उसमें, और लैपटॉप लैपटॉप वगैरह भी है, बिजली योजना, सड़क योजना, लैपटॉप के साथ डेटा भी है, हमारे गाँव इंटरनेट सब करते हैं। कौन सा इंटरनेट है अभी? तो सर 4G चल रहा है हमारा, जियो 4G चल रहा है जी, जियो हमारा तो नेटवर्क आया नहीं, आया नहीं है गाँव में, गाँव में दिक्कत है जी, गाँव में दिक्कत है, पर जियो चला रहे हैं, जियो चला रहे हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं जी, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक। आप लोगों को खबरें कहाँ से मिलती हैं कि कौन सी पार्टी ने कौन सा घोषणा पत्र रिलीज किया? पेपर भी आ रहा था, अखबार भी आया था, हमने परसों पहले दिन एक अखबार में ही पढ़ी थी, मतलब जो है किसानों के लिए मतलब 1 लाख रुपया माफ, और मतलब जो है अदर जनता के लिए सब कुछ 24 घंटा उपलब्ध रहेगी जी।
बिजली? हाँ, 24 घंटे, साल तक 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे कौन दे रहा है? आने वाले पाँच साल, जो मतलब सरकार ने आने वाले पाँच साल में भाजपा ने ऐसा कहा है, भाजपा ने ऐसा कहा है। अभी कितनी आ रही बिजली? अभी दो दिन से तो बिल्कुल नहीं आई है। अखिलेश यादव जी की एंट्री हुई हमारे यहाँ पे विधानसभा सिकंदराराव में, बिजली कट ऑफ हो गई हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं है दो दिन से बिल्कुल। आज अखिलेश यादव की सभा थी सिकंदराराव में, जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, हम वो कवर करके लौटे हैं। और इन लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की एंट्री के साथ इस गांव में बिजली कट ऑफ हो गई। हाँ, अभी दिन में कितने घंटे आती है? 12-14 घंटे, और हमारे यहाँ तो लाइट की बहुत समस्या है। 12-14 घंटे दिन में लाइट आती है। और हमारे यहाँ ट्रिप भी करती है, लेकिन हमारे यहाँ लाइन बिल्कुल जर्जर है, लाइन जर्जर, लाल लाइन। 4-6 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को नहीं मिल पाया। ये गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है, कितना बाकी है? हुआ 6-7 करोड़, बहुत करोड़ रुपए भाई अपने यहाँ का, तो 3-4-5 करोड़ रुपए बाकी है हमारे यहाँ के। तो किसानों की हालत कैसी है गांव में? बहुत खराब है, ज्यादा गिरी रही है। कितने किसान है गांव में? ज्यादातर सब किसान, किसानों का ही है, सब किसानों का। हाँ जी, किसानों की हालत अच्छी नहीं है। आइए बात कर रहे हैं, बताओ अपनी समस्या। अच्छा, ये सड़क के बारे में बताइए, जिसकी वजह से आप लोग मुझे यहाँ लेके आए थे। ये सड़क 15 साल से आप कह रहे हैं कि टूटी हुई थी। 15 साल पहले आखिरी बार बनी थी। आखिरी बार 15 साल पहले बनी थी। अभी इस पर गिट्टी डाली गई है, ये नेक खाना चूल्हा बहिष्कार की वजह से डाली गई है। बहिष्कार किसने किया था? हमारे गांव वालों ने, हमारे क्षेत्र वालों ने किया था। कौन से सन में? अभी बार कहा था कि आप वोट नहीं डालेंगे, चुनाव बहिष्कार किया, बोर्ड लगाए थे आपने, बोर्ड लगाए थे, लगे हुए हैं बोर्ड अभी भी? अच्छा, अभी दिखाएंगे। वोट नहीं जी हमारे यहाँ पे, सड़क नहीं तो वोट नहीं, ये आपने बोर्ड लगाए थे, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ पे गिट्टी बिछा दी। अभी पक्की सड़क नहीं बनी है। बन जाएगी? नहीं बनेगी। काम रुक गया, यहाँ पे काम रुक गया, इलेक्शन नजदीक आ गया, 11 डेट है हमारे यहाँ पे, 11 फरवरी। क्या पता इसका, क्या पता, आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में तो ये काम ही हुआ था, ये आचार संहिता में हुआ। इधर ये दिखाओ कि इधर का जो इलाका, ये क्या सड़क को चौड़ा भी किया गया है? और कम कर दिया है। अच्छा, आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क है क्या ये? हाँ जी हाँ, मेन रोड है, बहुत दिनों से हम इससे परेशान है, बहुत दिनों से इस पर पढ़ने वाले की समस्या है। और गरीब जनता भी बहुत है यहाँ, ज्यादा मतलब परेशान है, दुखी है। खेती में पिटी गई, मतलब खेती में पिटी हुई जनता ज्यादा। हाँ जी, ज्यादा खेती में पिटी हुई। किसान अब क्या चाहते हैं? कोई नौकरी चाहते हैं, या चाहते हैं कि उनकी किसानी, रोजगार चाहते हैं जी, सुविधा चाहते हैं मतलब। आप लोग एक चीज बताइए कि आप लोग पूरे मन से किसानी करना चाहते हैं, करते रहना चाहते हैं, सरकार सुविधा दे और हम किसानी करते रहेंगे और इसी में मुनाफा कमाएंगे, या अब आपकी दिलचस्पी उन नौकरियों में बढ़ रही है जो हाथरस के लड़के करते हैं, जो आगरा के हैं? मुनाफा मिलेगा तो खेती कर लेंगे। खेती से समस्या नहीं है, पर चूंकि खेती पिट रही है इसलिए आप लोग भुगतान नहीं हो पा रहा, हमारी भुगतान नहीं हो पा रहा। गाँव में कोई नौकरी भी करता है इधर? जॉब भी हमारे यहाँ जॉब भी करता है। अच्छा, तो फिर रोजगार की समस्या क्या है? रोजगार की समस्या, बेरोजगार कितने हैं? बेरोजगार बहुत है हमारे यहाँ पे, बेरोजगार बहुत है हमारे। हाँ, बाबा बताओ। सबसे बड़ी बात बच्चा जिया का बम्बा का 10वीं वर्ष थे और बम्बा ना लिखता बिल्कुल। बम्बा हमारा पानी का बम्बा, पानी का नल। अच्छा, नहर, सिंचाई की बात कर रहे हैं, मतलब किसान पानी का लगावे, पानी लगे तो जब खेत में कुछ हो, पानी लगाने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। 10वीं साल से आज तक लिखरो ना मम्मा, 10वीं साल से। अच्छा, तो जब समस्याएं आप लोगों के पास इतनी सारी हैं और जब चुनाव मांगने यहाँ आते हैं सब लोग, चुनाव वोट मांगने आते हैं ना कि भाई वोट, तब आप उनसे समस्याएं नहीं कहते? कहते हैं, जाते हैं, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, कोई सुनता नहीं समस्या। भैया वोट दो, तुम्हारा काम करेंगे, वोट दो काम करेंगे, कोई कराता नहीं काम। पिछली बार आप लोगों ने जिन्हें वोट दिया था वो जीते थे कि नहीं जीते थे? जीते थे आप लोगों ने, मतलब रामवीर उपाध्याय को वोट दिया? जी, वोट दिया था जी। रामवीर उपाध्याय यहाँ आई नहीं, ये कह रहे हैं आप? वोट लेने के बाद रामवीर उपाध्याय नहीं आए? बसपा के
बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के दो बड़े चेहरे हैं, एक सतीश चंद्र मिश्र लखनऊ में रहते हैं और एक रामवीर उपाध्याय जो कि हाथरस उनका गढ़ है। हाथरस सदर सीट पर वो 3 बार लगातार विधायक रहे, 4थी बार वो सिकंदरा राव सीट से लड़े और 1038 वोटों से जीते। बहुत कड़ा मुकाबला उनका सपा के यशपाल चौहान से हुआ और इस बार इस कड़े मुकाबले की वजह से शायद वो सादाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वो बंद तो रहता है हर साल बंद भी वो काम होने वो। हर साल क्या? हर साल मतलब चेंज बदलता रहता है। हर साल रामवीर उपाध्याय अपनी सीट बदलते रहते हैं, अलग अलग जगह प्रभाव बना रहे हैं। क्या क्यों बदलते हैं? 5 साल में जनता लूट ले जाता है, फिर और कहीं देख लेते हैं दूसरी जगह। वो तो लगातार जीत रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं से जीत रहे हैं। चीटिंग से जीत रहे हैं, चीटिंग से जीत रहे हैं ऐसा लगता है आपको? हाँ जी। अच्छा हैं जी, क्या कह रहे हैं? अगली बार हाँ लड़ाई क्या किया बताइए। अपने बहनों ही लड़ाए, उन्होंने अपने बहनों ही लड़ाए पिछले बार हारे गए। नाम क्या है आपका? मेरा योगेश कुमार। योगेश जी हाँ बताइए। अगली बार हारे गए? हार गए, बहनों ही लड़ाए। हाँ। अब खुद लड़ रहे हैं, यूँ कहते हैं कि मैं देखूंगा अब आगे देख कैसे। अच्छा, पिछले बार है। हाँ? अच्छा, तो यहाँ इस बार फिर उनके जाने से सपा कैंडिडेट मजबूत नहीं हो गए यशपाल चौहान? मजबूत तक कहाँ है, और पर और कटे गए सपा वालों के। सपा आए तो और गड्ढा में गए, बीजेपी आ गई मैदान में, बीजेपी आ गई मैदान में। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं इनको जाने दो, आप जाइए जाइए, थोड़ा इनका रास्ता खाली कर दीजिए, किसी का रास्ता मत रोको भाई। जो लोग नहीं जानते हैं वो ये जान लें कि ये वो सीट है सिकंदरा राव हाथरस की, वो सीट है जहां से भाजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं रही। हालांकि दो बार यहां से भाजपा के विधायक रहे हैं, 4 बार यहां से निर्दलीय विधायक रहे हैं, लेकिन 1991 में जब राम लहर थी उस समय भी भाजपा के प्रभाव से ये इलाका अप्रभावित ही रहा। 96 में पहली बार यहां से भाजपा के विधायक बने और वो जो विधायक थे उनका नाम था यशपाल सिंह चौहान, जो अब सपा में हैं और इस बार सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वो सपा से ही चुनाव लड़े थे और 2 बार भाजपा यहाँ से जीती है, दोनों बार यशपाल सिंह चौहान भाजपा के कैंडिडेट थे। लेकिन इस बार इस गांव में आकर के, जो कि ठाकुर बहुल गांव है, तो ये पूरी सीट ही ठाकुर बहुल सीट है, इस गांव में बहुत सारे लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग नारे लगाते हुए गए, मैं सुन नहीं पाया क्या कह के गए। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हैं बीजेपी का कौन आदमी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है? वीरेंद्र राणा। वीरेंद्र राणा, तो आप लोगों को वीरेंद्र राणा पे भरोसा है? पूरा जी, पूरा पूरा भरोसा। यहाँ आए हैं वो चुनाव? हाँ आए, सब आए और आए जो भाई क्या गए वो क्या मतलब, सबसे पहले इसी में कसम खा गए। पूरा क्षेत्र में काम कराऊंगा बोल के गए। पूरा हाँ बोल के गए वीरेंद्र राणा ने किया है। विकास राणा आज तक किसी राकेश राणा, राकेश राणा MLC जो निर्दलीय, राकेश राणा ने विकास करो यहाँ पे। चलिए देखो सबसे विकास राकेश राणा ने हमारे यहाँ पक्की सड़क कराई है। राकेश राणा, राकेश राणा ने हमारे यहाँ, राकेश राणा यहाँ निर्दलीय निर्दलीय आई है हमारे गांव में, वो सपा का ही है। हाँ। जो कुछ भी किया गया है, पर आपने देखा ही तो हमारे गांव का कितनी सड़क, कितनी बढ़िया, कितनी VIP सड़क बन रही है हमारे गांव में। फिर भी विकास उन्होंने काम किया, सबसे ज्यादा विकास, कितनी बढ़िया सड़क है आप तो देख के आए हैं, उसमें निकलना आदमी को एक बार। हमारे यहाँ जो राकेश राणा की मेहमान है, जो जितनी आई है, जो ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जी जी। टीम द लल्लन टॉप की टीम मोती हाथरस में है और सिकंदरा राव विधानसभा कवर कर रही है यहाँ की टिकरी खुर्द गांव से। ये फेसबुक लाइव था आपके लिए, मैं कुलदीप सरदार और मेरे साथ अमितेश कुमार, द लल्लन टॉप.com के लिए।